लेकिन वो किसी के लिए कल्याणकारी नहीं है, वो ब्राह्मण के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। क्यों नहीं है? कि ब्राह्मण उसमें किसी राजा का पुरोहित हो सकता था लेकिन राजा नहीं बन सकता था, लेकिन बाबा साहब की वजह से पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण ही बने। ये बाबा साहब के संविधान की खूबियत थी कि बाबा साहब के बनाए हुए समतामूलक व्यवस्था के अंतर्गत इस कंट्री का यदि कोई प्रधानमंत्री बना तो ब्राह्मण समाज का ही बना। जो ब्राह्मण गांव का प्रधान नहीं बन सकता था अपने बलबूते पर, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दो, अपनी ही बनाई व्यवस्था के अंतर्गत वो किसी बड़े राजा का पुरोहित हो सकता था लेकिन राजा नहीं बन सकता था। लेकिन वारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तेरी राष्ट्र में ब्राह्मण राजा नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा, वो पुरोहित बन सकता है। वो समझ नहीं रहा इस बात के लिए। आज देश के अंदर समर्थन तो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन तो इसलिए कर रहा है उसकी दुकान चल रही है, उसका दुकान चल रही है, वो लोग पूजा पाठ करके लोगों को पैसे कमा रहे हैं, तो इसलिए दिखाई पड़ रहा है। इस बात से आप लोग चिंतित हैं कि बहुजनों पे अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, कैसे बचेंगे? देखिए, बचने का सबसे बड़ा तरीका कि हमारे लोग खुद ही इतने थोड़ा सा नासमझी में चल रहे हैं, वो बाबा साहब के लाइन को नहीं समझ रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दी, तुम्हें स्वयं अपनी गुलामी का अंत करना चाहिए, उसे खत्म करने के लिए ईश्वर या अतिमानव पर आश्रित मत हो, तुम्हारी मुक्ति राजनीतिक शक्तियों में अंतर्निहित है, न कि उपवासों की परिपालना में। पर राजनीति तो कमजोर हो गई। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि उपवासों की परिपालना में वो अपना समय खराब कर रहे हैं। बहुत से लोग हमारे जो तीर्थयात्राओं में भटक रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो उनको रोकने का प्रयास, आप कांवड़ में बहुत लोग कम हो गए हैं, अब जाना कम कर दिया बच्चों ने, सबको रोका जा रहा है। उनको बताया धर्म को कमजोर कर रहे हैं। नहीं, हिंदू धर्म की बात नहीं है, बात यहाँ हिंदू धर्म की नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया और मोदी जी भी कुछ कह रहे हैं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म कोई बोलता नहीं है, वो तो एक सांस्कृतिक वो है। आप लोग मंदिर में जाने को मना करते हैं, पूजा पाठ नहीं, मंदिर में वहाँ जाए ना, जब सामाजिक समानता हो, जहाँ आज भी जाति पूछी जाती है किसी के प्रवेश से पहले, कुछ जो चीज़ सबके लिए खुली हो, नल है सबको पानी देता है, सबको पानी देता है, नल पर हर आदमी जाता है, विद्या के विद्यालय हैं, सब जगह जाएंगे, सब जगह जाने का प्रयास होगा। तो ये जो ऐसी चीज़ है कि जहाँ हर आदमी नहीं जा सकता, अभी कहीं कहीं बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ वो नहीं आएगा, तो ये क्या है? ये इस तरह की व्यवस्था किसी के भी राजनीति बहुजनों की धरातल पे चली गई, ये उभार आप नहीं, ये हो सब ऐसा होता है कि जब उतार चढ़ाव होता है तो कुछ ना कुछ खामी होती है, उसके बाद उभार आता है। तो ये सुनामी अंदर अंदर चल रही है इस आम बहुजन आंदोलन का, जो आज यहाँ पर हो रहा है नंदन नगरी में, ये हम यहाँ पर इसमें हॉल में, ये इसी का वो है कि वो दोबारा से सुनामी बन के उभरने जा रही है। और 2024 के चुनाव के अंदर इस देश के, इस कंट्री के अंदर एक बात सहमत होना पड़ेगा, और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये सबकी मजबूरी है आज की डेट में, मुस्लिम हो, माइनॉरिटी, कुछ भी, एक बचा, एक नंबर एक ही होता है, वो नंबर एक ही थी, नंबर एक ही है, वो आज भी नंबर एक ही है। खत्म हो नहीं, गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, खत्म कुछ नहीं होता, खत्म कभी भी कुछ नहीं होता। हिटलर ने वहाँ पर यहूदियों को मरवा दिया था कि खत्म हो गए, क्योंकि यहूदी खत्म हो गए जर्मन में खत्म हो गए क्या? तो कोई खत्म नहीं होता ऐसे किसी के मारने से। और कोई विचार, ये तो विचार आइडियोलॉजी पर आधारित है, और आइडियोलॉजी हमेशा काम करती है। तो कह रहे हैं बहन जी आइडियोलॉजी से भटक, नहीं बहन जी कोई कभी नहीं भटकी, वो आज भी अपने पर कायम है। यदि कोई भागे हैं 2007 से 12 तक, जो बहुजन समाज के लीडर थे, जिन्होंने मलाई चाटी, जो उन पदों पर रहे हैं, वो चाहे वो कोई भी हो, दलित हो, पिछड़े हो, मुझे नाम करने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे मौर्य साहब हो, कोई भी हो, चाहे कितने भी लीडर हो, वो सब इसलिए बीजेपी में गए हैं ताकि उनकी संपत्ति की जांच ना हो जाए। क्योंकि गलत कह रहे हैं वो, नहीं बाबा साहब का मिशन वो नहीं भूली हो, वो पूरे बहुजन समाज की लाज है एकमात्र। क्यों जी? बहुजन समाज के इतने लीडर हैं, महिला तो एक ही है पूरे देश और दुनिया में, एक बहुजन महिला है जो लीडर है, बाकी तो सब पुरुष। अखिलेश यादव बहुजन समाज के, वो तो पुरुष हैं, महिला एकमात्र है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसलिए क्या हम दलित बहुजन समाज के लोग एक महिला के लिए अपना वो नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते, उनको लीडर नहीं मान सकते क्या? उनके झंडे के नीचे नहीं आ सकते क्या? नहीं, कहाँ मान रहे हैं? गठबंधन करते हैं तो उनके लोग वोट नहीं देते? डिंपल को हरवा दिया यादव ने वहाँ पर, बहन जी ने गठबंधन ऐसे नहीं तोड़ा जब उनके लोगों ने उनको ही वोट नहीं किया, अपने समाज के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने वोट कर दिया। तो ये बड़ी विडंबना है। सही है बहन जी, मिशन पे चल, बिल्कुल सही है, वो नंबर एक है और बिल्कुल सही है, उनके लिए सब चीज़ मान। उन्होंने क्या नहीं किया?
देखिए 5 साल की सत्ता में मान्यवर काशीराम आय योजना के अंतर्गत इतने मकान बनवाए मोदी जी, अगर 5 साल 10 साल फ्री में भी मिले, सब चीज मिले और इतने बड़े बढ़िया बढ़िया मकान बने हैं कि आज वो शायद मुझे लग रहा है कि वो उन पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा बहुत जगहों पर, ऐसे भी स्थान है। 1 लाख सफाई कर्मचारी भर्ती करे, किया ना किया, उसमें सब वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया, क्योंकि देश का यदि गंदा सब कर रहे हैं तो झाड़ू लगाने भी सभी आएंगे, केवल एक समाज नहीं आएगा, केवल वाल्मीकि समाज या हमारा समाज झाड़ू नहीं। बहन जी ने कहा नहीं, हम इसको सफाई के काम को सभी के लिए खोल रहे हैं, जिसे अप्लाई करना करिए। आरक्षण लगाया, हमें कितने मिले, 23,000, 77 तो बाकी को मिले ना पिछड़े को समाज में, तो वहाँ पर समाज के सभी लोग आए हैं, लेकिन बेईमाना कर रहे हैं वो सफाई की नौकरी ले रही, झाड़ू लगा रहे। तो जो वर्तमान स्थिति चल रही है उससे हम सहमत नहीं, उससे हम सहमत नहीं है। वो बहुत चीज़ें अपने आप में कहते हैं कल्याणकारी कर रहे हैं, लेकिन कल्याणकारी चीज़ें समाज के समझ में तो नहीं आ रही किसी के भी। वोट मिला उनको, देखिए वोट तो आ जाता होता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है सब चीज़ें, ये सब चीज़ घटती बढ़ती रहती है। अच्छा, उतार चढ़ाव है, ये उतार चढ़ाव चल रहा है, ये लोगों को भी समझ में आ गया है। उदित राज जी को देखिए आप, जिन्हें रामराज पहले कहा जाता नाम था उनका, उदित राज देखिए, वो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी थे, बहुत बड़ा नाम ले रहे थे, लेकिन छोटे देर में भटक गए। अब कौन नाम ले रहा जी उनका, लाखों लोगों को एड्रेस करते थे वो, आज कौन सुन रहा उनको, रामदास अठावले जी कौन सुन रहा जी उनको, तो दूसरे खेमे में जाके बहन जी का तो हो जाएगा। ना ना ना, बहन जी का सम्मान आज भी बहुजन समाज का 12-13% वोट वहीं खड़ा हुआ, गरीब समाज वो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा, हिला नहीं है। हिला कौन है, हिले हैं वे लोग जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जिनकी समझ में नहीं आया, जो समझ में सब बाहर हैं, जो भौतिकवादी हो चुके हैं, वही बहन जी के पद से हट चुके हैं। बहन जी ने अपनी जगह सही है, उनको कोई दोष नहीं है, हम उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं, हम उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं है। 2007 की भर्ती में पुलिस में भर्ती करी है और पुलिस पूरे देश के अंदर नज़ीर बनी है, चिप बनवाकर दौड़ कराई थी, एक गांव-गांव से 20-20 लोग भी भर्ती हुए, लड़के लड़कियां सब। देश में जो इस समय बहुजन समाज महिलाओं के साथ माइनॉरिटी के साथ जो कुछ भी आज हो रहा है, दिख भी रहा है, वो उसको कैसे रोका जाए, ये बहुजन एकता कैसे स्थापित हो, इसके लिए सम्मेलन आज यहाँ पर आहूत किया गया। क्या हो रहा बहुजनों के साथ, बहुजनों के साथ अब आप भी देखिए कि कुछ इस तरह की जिससे हमारा समाज आगे बढ़ा है उनको ही कम किया जा रहा है। हमारे समाज की जो भी तरक्की हुई है वो सरकारी सेवाओं पर से हुई है, सरकारी सेवाओं में आने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद जो लोग भी सेवाओं में आए हैं उन पर उनमें चमक आई है। आज गवर्नमेंट ने इसका तरीका निकाल लिया है कि इन इंस्टीट्यूटों को ख़त्म किया जाए। आज गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट कम खुल रहे हैं, सरकार प्राइवेट ज़्यादा खुल रहे हैं, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए उसमें हमारा समाज वहाँ पर पहुँचने में लिए सक्षम नहीं है। रिजर्वेशन धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, संविधान में रिजर्वेशन रखा रहेगा लेकिन वैसे सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारा सबसे भी ये कहना है कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं वो बरकरार रहनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को भी रोज़गार बराबर मिलता रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में बैलेंस करने के लिए ये व्यवस्था करी थी संविधान के अंदर कि बैलेंस बना रहा जाए, जो हजारों साल से मुख्य धारा में समाज नहीं है उसको लेवल पर लाया जाए, लेकिन लोग आरक्षण को दूसरी तरीके से लेते हैं। आज तो EWS में जो है 10% स्वर्णों को भी दे दिया गया है, भाई गरीब तो वहाँ भी है तो दे दिया, अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक तरफ वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो हमारे आरक्षण खत्म करने की मांग क्यों कर रहे हैं आप, डिमांड क्यों कर रहे हैं? कोई मुसलमान ईसाई हमारे आरक्षण को खत्म करने की डिमांड नहीं कर रहा है इस कंट्री के अंदर, हमारे कर रहे हैं तो स्वर्ण जाति वाले लोग ही कर रहे हैं, कोई भी हो चाहे वो। तो क्रमिक असमानता जो कंट्री में थी उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के तौर पर ख़त्म किया है, और संविधान में जब ये चीज़ें आई हैं तो बराबर लोगों को अधिकार मिला है, सारी चीज़ें मिली हैं। बाबा साहब के कारण ही देश की आज़ादी, बाबा साहब के कारण, बाबा साहब के हस्तक्षेप के बाद ही हुई है। अगर बाबा साहब अपना, ये स्थिति अभी बनी है जो वर्तमान सरकार है या पहले भी स्थिति? नहीं, ये स्थिति अभी आई है 2014 के बाद से, ये पहले से बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से धीरे धीरे उसको किया जा रहा है, उन चीज़ों को लाया जा रहा है सब चीज़ों को, क्योंकि जो कुछ भी आर्थिक आधार है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 25 नवंबर 1949 को अपना भाषण दिया है उसमें सब स्पष्ट कहा कि राजनीतिक रूप में सब हम लोग एक हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को, लेकिन गैर बराबरी जो सामाजिक और आधार पर रहेगी इसको जल्दी खत्म किया जाए। आप भी एक वॉलंटियर फोर्स हैं। जी जी जी। और जो अभी अग्निपथ की योजना लाई है सरकार उसको कैसे देखे? नहीं, अग्निपथ की देखिए, नौजवान बच्चे हैं, मेरा इसमें सिर्फ कहना है, स्पष्ट रूप से मुझे ये कहना है कि भारत की सेना का जो एक रुतबा है वो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े व्यक्ति के लेवल के व्यक्ति को यदि आप नीचे कहीं एडजस्ट करेंगे तो उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचेगी। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, यदि गवर्नमेंट ये बोलती, यदि सरकार ये कहती कि इस तरह की भर्ती हम CRPF BSF जो केंद्रीय बल हैं
उनमें करते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनमें अपने नौजवान बच्चों को रखते हैं, और उसके बाद जो बच्चे होंगे उनको फिर कुछ परसेंटेज के तौर पर हम भारतीय सेना में भेजेंगे, तो उनका मान सम्मान बढ़ता। ये तो इस तरह हुआ, मतलब उल्टा कर दिया। हाँ। ये तो इस तरह हुआ, जैसे कोई मान लीजिए, सपोज कीजिए, मुझे कहना भी नहीं चाहिए लेकिन मन चाहे तो मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए, अगर भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर हैं और वो काम करने लायक हैं, कोई उनको कहने लगे कि साहब आप किसी स्कूल में कलर के कर लो या कोई किसी चीज़ कर लो, तो उनके मान सम्मान के खिलाफ होगी। नहीं तो भाई देखिए, सेना का अपना अलग वो है, सेना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, हमारे देश की सेना का बहुत बड़ा मनोबल है, पूरी दुनिया में नाम है उसका अपना। मनोबल टूटेगा इससे सेना का। एक चार साल का पीरियड है, बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग में इतना समय लग जाता है, एक कमांडो को बनाने का इतना समय लग जाता है। तो हमारा यही कि सरकार इसमें परिवर्तन करे, जो नौजवान बच्चे हमारे आज सड़कों पर हैं उन्हें रोकने का यही कारण है। इसे मिलिट्री की बजाय आप पैरामिलिट्री फोर्स में उनको भेजिए पहले, इसे कह सकते हैं अनिवार्य सैनिक भर्ती जिस तरह चलती है, इसे पहले वहाँ पर तो इस्तेमाल करिए इन लोगों को, बच्चों को, इनका जज्बे को बरकरार रखें और इनको फिर आर्मी की तरफ ज्वाइन कराएं। किसी को नेवी में भेजिए, किसी को थल सेना में भेजिए, किसी को वायुसेना में भेजिए, तो ये चीज़ थम सकता है, आक्रोश भी थम सकता है ये चीज़। तो देश में कल्पना चल रही है हिंदू राष्ट्र की। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो देखिए ऐसा है, ये कल्पना होती है सिर्फ एक तरीके की। ये हिंदू शब्द जो है ये एक भौगोलिक उसका ही है, जैसे भारतीय, ये भारत का विदेशियों का दिया हुआ शब्द है, उसको आम आदमी में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो हिंदू राष्ट्र या हिंदू चीज़, ये तो बाबा साहब का इनको वो मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि अब से पहले, आज़ादी के से पहले इस देश के अंदर हिंदू कोई पहचान ही नहीं थी, गैर हिंदू बताया जाता था, मुस्लिम अंग्रेजी शासनकाल में इनको गैर हिंदू बताया जाता। हिंदू राष्ट्र बनने का दिक्कत क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्र में उसकी परंपराएं जो रहेंगी वो कर्मिक असमानता पर होंगी, वो तो उनकी बनाई व्यवस्था में वो खुद ही। अच्छा, वर्ण व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था पर, उस वर्ण व्यवस्था को उस समय जो हिंदू राष्ट्र वर्ण व्यवस्था पर आधारित है कि सबका अधिकार अपने अपने खेमे में रहेगा।